के लिए आलू टिक्की क्रिस्पी लेकर आई हूँ। और आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये आलू है 4 बड़े साइज के, ये ब्रेड क्रम्स हैं जो उसमें हम मिलाएंगे, और ये धनिया है, प्याज है 1 बड़ी साइज़ की, छोटी छोटी पीस में काट लिया हमने, 2 हरी मिर्च है। और अब मसाला देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, स्वाद के हिसाब से आप नमक डालेंगे, और जीरा पाउडर है टीस्पून, 1 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, और ये कुटी हुई लाल मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं 1 टीस्पून। अब हम सबको मिक्स करेंगे। पहले हम आलू को इस तरह से मसल लेंगे। अच्छे से मसलेंगे। इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ। हाथ से भी अच्छे से मसल जाता है। देखिए आलू हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे थोड़ा सा, ये करीब 4 टेबल स्पून होगा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मैदा और चावल का आटा हमने मिक्स करके रखा है, 2 टेबल स्पून है। प्याज डाल दिए, हरी मिर्च, कटी हुई धनिया, और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने सारे टिक्की को बनाकर रख लिए हैं। अब हम इसको, ये देखिए मैदे का घोल बनाया है, इसमें सारे टिक्की को डुबो के और ब्रेड क्रम्स में लपेट के फिर हम इसको तलेंगे। आइए पहले हम ऑयल गरम करते हैं। अब हम ऑयल डालेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेल्फ फ्राई करेंगे। ये देखिए अब टिक्की को हम मैदे के घोल में डिप करेंगे। डिप करने के बाद इसको उठाकर इस पे रखेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगा के ऑयल में डालते जाएंगे। ऐसे हम सबको डिप कर करके ब्रेड क्रम्स लगाकर और हम ऑयल में डालते जाएंगे। ये देखिए हमने सारे टिक्किया को ब्रेड क्रम्स में लपेट कर डाल दिया है ऑयल में, और अब हम इसको 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम में सेकेंगे, फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, नीचे से हमारा टिक्किया फ्राई हो चुका है। अब हम इनको पलट देंगे, पलट के फिर हम इनको 1-1 मिनट फ्राई करेंगे। इसे आप जरूर बनाएं, बहुत अच्छी बनती है ये, कुरकुरी बिल्कुल होती है, बच्चों को बेहद पसंद आता है ये सब चटपटा चीज, और बड़ों को भी अच्छा लगता है, सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसे आप जरूर बनाएं। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी टिक्की हमने फ्राई कर ली है, अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इनको निकाल लेंगे।
अब जो बचे हैं हमारे आलू के टिक्की, उनको भी उसी प्रोसेस से हम दोबारा डालकर फ्राई करेंगे। अब इसको मैं सारी टिक्की डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए हमने दूसरे बैच की भी फ्राई कर ली है, अब हम इनको निकाल लेंगे।